हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग थ्रोज कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने थ्रो के बारे में सीखा था, तो इंटरव्यूज में काफ़ी क्वेश्चंस इस टाइप से, थ्रो और थ्रोज में क्या डिफरेंस है, क्योंकि नाम काफ़ी सिमिलर है। फंक्शनैलिटी तो दोनों कीवर्ड का काफ़ी अलग है, बट नाम सिमिलर होने के कारण स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज रहते हैं इन दोनों कीवर्ड्स में। तो इसलिए पिछले दो वीडियोज़ में हमने थ्रो के बारे में सीखा था, आज की वीडियो में हम लोग थ्रोज के बारे में सीखेंगे। तो क्या होता है कि मान लिया जाए कोई मेथड है, और मेथड कैपेबल है फॉर काउजिंग एन एक्सेप्शन, मतलब कि मेथड में ये संभावना है कि वो एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता है। और ऐसी भी संभावना अगर हो कि मेथड एक्सेप्शन क्रिएट तो कर रहा है, बट मेथड क्या है, हाँ, बट अगर ऐसी भी संभावना हो कि मेथड एक्सेप्शन क्रिएट तो कर रहा है बट उसको हैंडल नहीं कर पा रहा हो, ऐसी अगर संभावना बने तो निश्चित रूप से इसे स्पेसिफाई करना चाहिए। इसे इस चीज़ को स्पेसिफाई करना चाहिए कि यहाँ पर एक उस मेथड में एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है, एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, और वो इसे हैंडल करने में सक्षम नहीं है। क्यों ऐसा ज़रूरी है? ताकि जो कॉलर है उस मेथड का, मतलब कि जो उस मेथड को जो दूसरा मेथड कॉल कर रहा है, वो अपने हिसाब से ट्राई कैच का यूज कर सके, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को अपना सके उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, हाँ, मतलब कि अगर कोई मेथड है, सिंपली अगर बोला जाए तो अगर कोई मेथड हम लोग लेते हैं, उस मेथड में एक्सेप्शन हो सकता है और उस मेथड में हम लोग उसे हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, तो हम लोग जो दूसरा कॉलर है जो इस मेथड को कॉल कर रहा है, उसे हम लोगों को ये बताना होगा कि यहाँ पर हम लोग एक्सेप्शन क्रिएट तो कर रहे हैं बट हम लोग हैंडल करने में सक्षम नहीं है, ताकि वो कॉलर उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए अपने हिसाब से व्यवस्था करे। ठीक है, तो ऐसा आप कैसे बता सकते हो कॉलर मेथड को कि यहाँ पर एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है? तो ऐसा बताने के लिए हम लोग थ्रोज कीवर्ड का यूज करेंगे। और इस तरह से थ्रोज जो क्लाउज है हमारा, इसके साथ बहुत सारे मतलब कुछ स्पेशल टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं जो कि एक मेथड इस तरह से थ्रो कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि थ्रोज क्लाउज का आप यूज कर रहे हो मेथड के नाम के साथ तो उसमें आप सारे एक्सेप्शन टाइप को उसमें लिख सकते हो, उसमें आप एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन टाइप को ही लिख सकते हो, जिसे कि जावा में हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं। मतलब कि हाँ, अगर क्लास के हायरार्की के बारे में बात की जाए, एक्सेप्शन क्लास हायरार्की के बारे में, तो एक हमारा एरर क्लास होता है जो कि हमारा एक सुपर क्लास है, और दूसरा सुपर क्लास रन टाइम एक्सेप्शन होता है। तो एरर सुपर क्लास या फिर रन टाइम एक्सेप्शन जो सुपर क्लास है, ये दोनों या फिर इसके अंदर इसके नीचे जितने भी सब क्लासेस हों, उनके लिए इस तरह से थ्रोज कीवर्ड का यूज करके, थ्रोज क्लाउज का यूज करके डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं है। बाकी सारे जितने भी एक्सेप्शंस हैं उनके लिए ये कंपलसरी है कि हम थ्रोज क्लाउज का यूज करके ये डिक्लेयर करें कि ये एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता है, एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। तो कौन कौन से वैसे हैं जिनमें कि जरूरी नहीं है, मतलब कि ऐसा कंपलसरी नहीं है, तो दो, एक तो हमारा एरर क्लास है और दूसरा हमारा रन टाइम एक्सेप्शन क्लास है। ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस या फिर जितने भी इनके सब क्लासेस होंगे, इनके बहुत सारे सब क्लासेस हो सकते हैं, कुछ सब क्लासेस हम लोग इनको एक्सटेंड करके भी बना सकते हैं, तो ये दोनों क्लासेस और इनके सब क्लासेस, इनके लिए आपको थ्रोज कीवर्ड का यूज करके डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा मेथड एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता है, एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। तो बाकी जो क्लासेज हुए इनके अलावा, बाकी मतलब इनके अलावा एक्सेप्शन जो हमारा हायरार्की है, इन दोनों क्लासेस और इसके सब क्लासेस के अलावा जितने भी बाकी सब क्लासेस बचते हैं, उन्हें क्या करना होगा, हमें उन्हें हमें बताना होगा कि ये क्लासेस एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं, एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो एक कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अगर जनरल फॉर्म देखा जाए इसका मतलब कि एक मेथड है जो कि ये डिक्लेयर करना चाह रहा है कि ये एक्सेप्शन इसके अंदर हो सकता है, और जो कॉल्ड मेथड है, जो कॉलर है, कॉल्ड मेथड तो यही है, जो कॉलर है वो समझ जाए कि अगर इस मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं तो हमें इसे हैंडल करने के लिए एक ट्राई कैच का मैकेनिज्म बनाना होगा। तो अगर जनरल फॉर्म देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर टाइप लिखना होगा, टाइप और मेथड नेम, ये तो नॉर्मल है। हाँ, टाइप मेथड नेम ये तो नॉर्मल है, ये तो आप जैसे मेथड का सिग्नेचर लिखते हो बिल्कुल सिमिलर वे में है, और इसमें मेथड के साथ आपका पैरामीटर लिस्ट होता है। तो यहाँ पर तक तो हमने क्या किया, सिंपली हमने वो ने मेथड का सिग्नेचर लिखा, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं, हाँ आगे क्या करना होगा, इसके आगे आपको थ्रोज कीवर्ड का यूज करना होगा मेथड का सिग्नेचर जो नॉर्मल होता है उसके बाद। तो थ्रोज कीवर्ड का हमने यूज किया और इसके बाद आपको एक्सेप्शन लिखना होगा। तो इस तरह से एक्सेप्शन लिस्ट, एक्सेप्शन लिस्ट का मतलब है कि यहाँ पर जैसे हमने मेथड का सिग्नेचर लिखा उसके बाद थ्रोज और जो भी एक्सेप्शन वो थ्रो करने की संभावना रखता है उन सारे एक्सेप्शंस को हम लोग लिखेंगे। मतलब कि अगर एक से ज़्यादा एक्सेप्शन हो तो कॉमा से सेपरेट करके आप वन बाय वन एक्सेप्शन को इस तरफ टाइप से लिख सकते हैं, थ्रोज एक्सेप्शन वन कॉमा एक्सेप्शन टू कॉमा एक्सेप्शन थ्री, जो भी टाइप का एक्सेप्शन हो उसे आप इस टाइप से लिख सकते हैं। ये तो हमने लिखा। इसके बाद आप मेथड लिखोगे, मेथड लिखने में क्या है, आप बॉडी लिखोगे, बॉडी ऑफ मेथड, ये तो नॉर्मल है। तो मतलब अगर ध्यान दिया जाए तो ये बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखते हैं, स्टैंडर्ड मतलब कि हम जनरल फॉर्म लिखते हैं, तो बिल्कुल सेम है। अगर यहाँ तक पैरामीटर लिस्ट तक देखा जाए और बॉडी देखा जाए तो बिल्कुल जनरल फॉर्म बिल्कुल सेम है नॉर्मल मेथड के जनरल फॉर्म के समान, ठीक है। बट डिफरेंस यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हमने थ्रोस कीवर्ड का यूज किया है और एक्सेप्शन लिस्ट लिखा है। एक्सेप्शन लिस्ट क्यों लिखा है, एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन भी आप लिख सकते हो, अगर एक से ज़्यादा एक्सेप्शन है तब भी आप क्या कर सकते हो, अगर एक से ज़्यादा एक्सेप्शन हो तब भी आप कॉमा से सेपरेट करके उस बहुत सारे एक्सेप्शन हो, मल्टीपल एक्सेप्शन हो, तो कॉमा से सेपरेट करके उन्हें लिख सकते हो, इसलिए हम यहाँ पर इसे एक्सेप्शन लिस्ट के रूप में लिख रहे हैं। तो अगर नॉर्मल अगर मेथड हम अगर एग्जाम्पल एक ले लें, तो हमने जनरल फॉर्म लिखा था, तो अगर मान लिया जाए एक मेथड है हमारा इंट, इंट छोड़िए वॉइड टाइप का ही लें, वॉइड फन टाइप का एक मेथड है, पैरामीटर लिस्ट अगर ये ऑप्शनल है, ये पैरामीटर लिस्ट हो भी सकता है या फिर पैरामीटर लिस्ट नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पैरामीटर लिस्ट नहीं लिया है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर लिख रहे हैं, थ्रोज हमने लिख दिया थ्रोज, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं साथ में, मैं नीचे लिख देता हूँ या फिर यहीं पे लिख देता हूँ, थ्रोज एक्सेप्शन वन, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये मेथड जो हमारा फन मेथड है और इसके बॉडी में आपको कुछ भी जो भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है इस मेथड से, इस मेथड से ये पता चल रहा है कि जो हमारा फन मेथड है वो हमारा एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, और जब भी हम मेन मेथड से कॉल करेंगे इस फन मेथड को या फिर किसी दूसरे मेथड से कॉल करेंगे तो वहाँ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हमें अपनाना होगा। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अपनाने से क्या मतलब है कि जो हमारा कॉलर होगा, मतलब कि जो इस मेथड को कॉल करेगा वो कॉलर ट्राई कैच का यूज करेगा, और उस ट्राई कैच के बीच में ही मतलब ट्राई के अंदर वो कोड लिखेगा फन को कॉल करने का। इस तरह से अगर कोई कॉलर हमारा मेथड इस तरह से फन को कॉल करने का लिखेगा तो ये उसे ट्राई के अंदर लिखना होगा, ठीक है, और कैच करना होगा, इस तरह से उसे करना होगा ताकि। तो थ्रोज लिखने का हमारा पर्पस ये है कि हम अगर कॉलर को बता सकें कि कैसे उसे क्या करना है, इस मेथड को कॉल करने से पहले सारा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म फॉलो करना होगा। हाँ, बट ऐसा भी हो सकता है कि अगर कॉलर चाहे तो इसे खुद से हैंडल ना करके वो कॉलर वाला मेथड भी थ्रोज एक्सेप्शन वन लिख के आगे इसे बाईपास कर दे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसा भी संभव है। तो इस तरह से ये तब तक चलते रहेगा जब तक कि मेथड इस तरह से थ्रो करता रहेगा, ठीक है। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग सैम्पल प्रोग्राम देखेंगे इसी
पे बेस्ड सैंपल प्रोग्राम देखेंगे इस वीडियो के लिए। धन्यवाद।